हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं आज दिखाऊंगी कि मैं जो इवनिंग का पूजा कैसे करती हूँ। तो पहले जैसे आप लोग को दिखाई थी, ये मेरा छोटा सा मंदिर है। तो अभी थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा उसको। और अभी शाम का टाइम हो रहा है 6:30, और मैं अपना जो जिस ड्रेस से मैं सुबह को दोपहर को खाना खाई थी उसको चेंज करके दूसरा धोया हुआ कपड़ा उसको मैं पहन के आ गई हूँ। और अभी ये जितना भी फूल है देख सकते हैं, भगवान जी के फोटो के ऊपर मैं चढ़ाई थी, सबको निकाल दे रही हूँ। तो जब भी फ्रेंड्स आप लोग शाम के दिया बाती जलाए, जितना भी बासी फूल हो जाता है उसको आप निकाल दीजिए, इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो फ्रेंड्स ग्लास में जो पानी रखी हूँ वो ग्लास को मैं इस तरह से रखती हूँ, बस एक ग्लास का जो पानी और प्रसाद उसको मैं चेंज करती हूँ। जब शाम के टाइम में एक ही थाली में ही मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ सारे भगवान के लिए। और दिया से मैं बाती निकाल दी। और उससे पहले देखिए, ये सुबह का पूजा में आप लोग को आसन नहीं दिखाई थी, तो इस आसन में मैं बैठती हूँ हर दिन पूजा करने के टाइम में। और यहाँ पर जो दिया है धो के लेके आई हूँ, तो यहाँ पे दो दिया मैं जलाऊंगी, एक अगर मतलब एक तुलसी के पास और एक तो यहाँ पे घर में लगाऊंगी। तो उसमें अभी मैं रुई डाल दे रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं जो दिया है वो सरसों का तेल से ही जलाती हूँ। आप चाहे तो घी से भी जला सकते हो। उसके बाद थाली में एक बताशा रखी हूँ। तो शाम के टाइम में मैं एक ही थाली में प्रसाद चढ़ाती हूँ सारे भगवान जी को। और जो बजाने वाला शंख है उससे पानी निकाल दी हूँ अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अगरबत्ती भी जला ली। अगरबत्ती जलाने के बाद फिर मैं अभी अग्नि देवता का पूजन करूंगी। तो जितना बार भी मैं दिया जलाती हूँ उतना बार मैं अग्नि देवता का पहले पूजन कर लेती हूँ। तो इस तरह सा लोटा से मैं जो जल ले ली हाथ में और फूल थोड़ा सा लेके दिया को मैं पूजा कर लेती हूँ। अभी एक अगरबत्ती और दिया को लेके मैं जा रही हूँ तुलसी पिंडी के पास। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा अंधेरा है फ्रेंड्स, तो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे मैं अगरबत्ती और दिया लगा के आ गई हूँ। तो देखिए अभी थोड़ा सा शंख बजा लेते हैं, उसके बाद ही मैं आरती करती हूँ। तो पूजा करने से पहले इस तरह से सजा के मैं शंख बजा लेती हूँ, और फिर शाम का जो आरती है सबको जो भी गाना आता है, जो भी आरती का गाना आता है उसको गा के आप आरती कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी का चालीसा है उसको आरती करके गाती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं शंख को अच्छा से धो लेती हूँ। धोने के बाद उसके अंदर में थोड़ा सा पानी भर के रखती हूँ। अब और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फ्रेंड्स शंख बजाएंगे, जितने टाइम सुबह या दोपहर या शाम को जितना टाइम आप पूजा करते हैं, शंख को ज़रूर धोइएगा, क्योंकि ये हम लोग अपने मुख से बजाते हैं इसीलिए झूठा हो जाता है, इसलिए शंख को धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मैं आरती कर रही हूँ। तो आरती का लास्ट में नीचे मतलब भगवान का पैर जिस साइड में है नीचे तरफ, उस उसमें मैं तीन बार आरती मतलब दिया दिखाती हूँ, और नाभि के सामने दो बार और जो सिर के सामने एक बार लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ रोज़। और अभी लास्ट में मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी, तो उसके लिए इस तरह से हाथ में जल लेके प्रसाद और दिया बाती के चारों तरफ इस तरह से घुमा लेती हूँ, और भगवान का नाम लेके प्रसाद अर्पण कर लेती हूँ। बस इस तरह से मैं इवनिंग पूजा था। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।